हेलो फ्रेंड्स, रूट वाला प्लांट का पॉटिंग मिक्सचर कैसे बनाना है आज मैं बताऊंगी। सो देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉटिंग मिक्सचर करने के लिए मैं एक बड़ा सा पॉट ली हूँ, जिसमें मैं 50% गार्डन सॉइल ले रही हूँ। जो मेरा गार्डन सॉइल है वो रेड कलर का है, मेरे यहाँ रेड कलर का गार्डन सॉइल मिलता है। तो 50% का गार्डन सॉइल रूट वाला प्लांट के लिए मैं 50% ले रही हूँ। तो इसमें अगर कुछ भी हार्ड स्टोन होगा उसको निकाल दीजिए, वो बाद में आपका पट के नीचे में देने के लिए काम आएगा। तो कुछ भी हार्ड सॉइल होगा तो उसको हाथ से बा इंस्ट्रूमेंट से छोटा पीसेस कर दीजिए। कुछ भी हल्का हल्का कुछ भी थोड़ा पीसेस रहेगा वो भी प्लांट के लिए भी अच्छा होता है, एयर और पानी जाने के लिए। तो ये देखिए, मैं वर्मी कंपोस्ट एंड सैंड उसका मिक्सचर 40% ले रही हूँ, जो कि वर्मी कंपोस्ट 20% है एंड सैंड 20% है। जो रूट वाला प्लांट होता है उसमें सैंड का क्वांटिटी 20% है। जैसे मैंने अभी लिया, सॉइल का क्वांटिटी 50%, वर्मी कंपोस्ट का 20% एंड सैंड का 20%। तो देन उसको अच्छे से मिला लीजिए। अच्छा, रूट वाला जो रूट होता है जिसमें हम नर्सरी से लाए हैं या छोटा पॉट में हम घर पे उगाए हैं, उसके लिए ये वाला क्वांटिटी ठीक रहता है। कहीं भी आप कटिंग पीसेस लगाएंगे जैसे कि रूट आने के लिए, तो उसमें सैंड का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मैं बाद में आपको पोस्ट करूँगी। ये अभी देखिए, एक मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र 8% यूज कर रही हूँ। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये मैं खुद घर पे ही बनाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा काम आता है हर कोई भी पटिंग के लिए, जैसे फ्रूट्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी आप लगाएंगे ये वाला जो मिशन फर्टिलाइज़र है इतना बढ़िया काम आता है, जो क्या वीडियो में बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी तो दिखाऊँगी इसको मैं कैसे बनाई हूँ। अभी मैं पट ली, जिसमें कि जो मैं प्लास्टिक पॉट ली हूँ, इसमें नीचे जो होल का पर्सन है उसमें मैं चाकू से होल कर दे रही हूँ, क्योंकि हर पॉट में होल होना ज़रूरी है। इसमें एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल भी जाता है और एयर जो प्लांट के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो भी जाना आना के लिए सुविधा होता है। तो इसीलिए होल नीचे होल होना ही ज़रूरी है। होल अच्छे से होल बना दीजिए, फिर प्लांट का नीचे थोड़ा सा जो स्टोन पीसेस जो सैंड से बा जो कलेक्शन करके आप रखे होंगे वो सब स्टोन आप नीचे थोड़ा पट में दे दीजिए। इससे क्या होता है कि वो स्टोन सॉइल के साथ अच्छे से फिक्स हो जाता है, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी हम पट में जब भी देते हैं वो अच्छे से निकल भी जाता है और रूट भी अच्छे से पकड़ कर भी रखता है। अभी देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा 2% का एक्सेल डाले हूँ। ये जो एक्सेल है मैं खुद ही एक का जो सिल्का है वो सब निकाल के सुखा के पाउडर बना के उसको रखी हूँ। इसके जगह भी आप बोन मील भी मिला सकते हैं और इसको पॉट में अच्छे से सॉइल में मिक्स कर लीजिए, तो इसमें प्लांट को भी अच्छा कैल्शियम भी मिलता है। अभी देखिए, मैं इसमें अल्गोनिमा प्लांट के छोटा सा पॉट में उगा के रखी हूँ, तो उसमें अच्छे से रूट्स आ गया है। तो अभी मैं ये बड़े वाला गमला में शिफ्ट करूँगी उसको। और मेन थिंग होता है, जब भी आप गमले में सॉइल डाल रहे हैं तो 60 से 75% गमले में सॉइल भरिए, तो बाकी का पर्सन खाली रहने से बाद में कभी भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट वगैरह बस सॉइल कभी भी थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर से आराम से दे पाएंगे। अभी मैं ये जो एग्लोनिमा प्लांट को लगा दी हूँ ये पॉट में, ये तो ऑल थ्रू द ईयर ऐसा ही रहता है, बहुत सुंदर भी दिखता है। इसका तो बहुत वेराइटी भी है, ये रेड कलर का है, तो जैसे कि अभी इसमें मतलब एक महीने में भी बहुत सारा उसमें साइड में भी उसका ग्रोथ हो जाता है, न्यू प्लांट्स भी आ जाता है। ऐसा ही है, मैं अभी स्पाइडर प्लांट को भी ला के एकदम छोटा सा गमला में रखी थी तो उसको भी शिफ्ट करूँगी। स्पाइडर प्लांट भी बहुत जल्दी भी ग्रो होता है, उसमें भी बहुत नया नया प्लांट्स उसका निकल भी जाता है, तो ये भी ऑल थ्रू द ईयर ऐसे ही खिलता रहता है और सुंदर भी लगता है। ये सब थीन वाला जो पतला वाला होता है वो वाला स्पाइडर प्लांट है, तो उसमें उसका बहुत सुंदर भी दिखता है और ऐसा ही ग्रो भी उसका अच्छे से होता है। ज़्यादा केयर भी रखना नहीं पड़ता है उसके लिए, बस बीच में थोड़ा सा कुछ भी फर्टिलाइज़र वगैरह दे दीजिए हल्का सा, तो ऐसा ही उसका पत्ता ही भी ज़्यादा भी ख़राब भी नहीं होता है बहुत जल्दी, लेकिन नया प्लांट्स भी निकल भी जाता है। और अभी जो कि मेरे पास थोड़ा सा इंच प्लांट का
कुछ मैं इसे कटिंग ला के एक छोटा सा गमला में डाली थी उसमें रूट्स आ गया है, अभी उसको मैं एक बड़ा गमला में डाल रहा हूँ। इंच प्लांट जो है कि वो बहुत रैपिडली ग्रो होता है, एक महीने में एक गमला जो तीन चार पीस में अभी लगाई हूँ तो पूरा पूरा भर भी जाता है, और उसको जितना कटिंग करके लगाइए उतना न्यू प्लांट्स हो जाएगा। वो बहुत सुंदर भी दिखता है, उसको पानी में भी आप डाल के घर के अंदर इनडोर प्लांट की तरह भी आप सजा सकते हैं, और जैसे भी चाहेंगे भी ऐसे सजा दीजिए, वो काट के भी गोल टाइप का हो कहीं भी लगाइए, अच्छे से बहुत सुंदर दिखता है। आज जैसा कि मैंने तीन प्लांट लगाए हूँ, आज वेदर थोड़ा मेरा यहाँ अभी क्लाउडी है, तो क्या होता है जब भी मैं कोशिश करती हूँ जब भी क्लाउडी वेदर होता है तभी मैं न्यू प्लांट्स लगाती हूँ, उसमें क्या होता है बारिश का पानी भी मिल जाता है पौधों को। अभी देखिए 21 डेज में इतना ग्रोथ हो गया है। ये देखिए आफ्टर 5 वीक्स ये एग्लोनिमा प्लांट में दो तीन न्यू प्लांट्स भी आ गया है। इंच प्लांट में तो दो तीन बार कटिंग कर चुकी हूँ, फिर से कटिंग करने का टाइम हो गया है। स्पाइडर प्लांट में भी बहुत सारे न्यू प्लांट्स आ गया है। ये कॉलोनजी का जो प्लांट्स है मैं पहला वीडियो में दिखाई थी, अभी ये बहुत ग्रोथ हो गया है, फ्लावर्स का आने वाला है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।